अच्छा बेटा, आज ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड में आज ये हमारा इसका ये लास्ट टॉपिक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड फिर कम्प्लीट हो जाएंगे, फिर ऑक्सीजन से आप नाइट्रोजन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसमें देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन है, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब देखिए बेटा, सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन है, इसको तैयार कैसे, अगर हमने स्मॉल अमाउंट तैयार कर लिया, यानी कम पैमाने पर अगर हमने इसको तैयार करना है, तो इसको हम लेड नाइट्रेट से तैयार करेंगे। क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट से इसको बड़ा हीट करेंगे लेड नाइट्रेट को, तो हमारे पास देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तैयार हो जाएगा साथ ऑक्सीजन के साथ, समझ आ गई। यानी कम पैमाने पर अगर हम तैयार करना है, लेड नाइट्रेट है, इसको हीट करना है, लेड ऑक्साइड बनेगा, साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे पास प्रोड्यूस होगी और साथ हमारे पास ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होगी, ठीक। ये जो था हमारे पास इसकी अगर महदूद पैमाने में तैयार करना, अगर हमें ज्यादा पैमाने में तैयार करना है किसको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, क्योंकि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बहुत अहम चीजें होती है, ये आगे आप इसके अंदर जो है ना वो फर्टिलाइजर के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, बाकी काफी चीजों में इस्तेमाल करते हैं। तो इसको दूसरा तरीका होता है बेटा, कॉपर के ऊपर हमने नाइट्रिक एसिड डाले कंसंट्रेटेड फॉर्म, डाइल्यूट नहीं, पहले जो हमने दोनों तैयार किए थे, नाइट्रोजन ऑक्साइड था, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड था, वो डाइल्यूटेड एसिड से तैयार किए थे। अब हमने किससे तैयार करना है, हमने कंसंट्रेटेड से करना है, याद होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर हमने डाइल्यूट डाला था, वो भी कॉपर पे डाला था, लेकिन अब यहाँ पर अगर आपने इसका कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट का साथ ना लिखा तो आपका रिएक्शन गलत हो जाएगा, गलत कंसिडर किया जाएगा कि हम कॉपर के ऊपर कंसंट्रेटेड नाइट्रेट एसिड डालते हैं, तो क्या बनता है, कॉपर नाइट्रेट बनेगा, साथ वाटर होगा और साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। यानी दो तरीके, एक लेड नाइट्रेट से और एक कॉपर पे, कॉपर पे हमने क्या डाला, नाइट्रेट एसिड डाला, कौन सा, कंसंट्रेटेड नाइट्रेट एसिड डालेंगे, तो ये हमारे पास ये दोनों चीजें तैयार हो जाएंगी, ठीक है। ये भी हमारे पास है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तैयार होगा। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टी, इसके प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। पहले तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, कौन सी फिजिकल, ठीक है, रेडिश ब्राउन गैस, कलर कौन सा है, रेडिश ब्राउन, पंजेंट स्मेल, पंजेंट मतलब चुभने वाली, कौन सी बेटा, चुभने वाली, यानी नाक को चुभने वाली जो स्मेल होती है, ये उसे हम क्या कहते हैं, पंजेंट स्मेल होती है, चुभने वाली, नाक को चुभने वाली होती है, इसे पंजेंट स्मेल होती है। इसके बाद देखिए, जब इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो इसका ब्लू एसिडिक सॉल्यूशन बनता है, यानी सॉल्यूशन बनता है, एसिडिक होता है, ब्लू इसका एसिडिक सॉल्यूशन बनता है। ये हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी अपीयरेंस इसकी क्या है, रेडिश ब्राउन गैस है, पंजेंट स्मेल है, इसके बाद जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ब्लू एसिड सॉल्यूशन इसका बनता है, ये हमारे पास था उसकी फिजिकल। अब इसकी बड़ा है केमिकल प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी बहुत मजे की है, यूं समझिए एक मैजिक है जिसको आप देखिए याद रखना है हमेशा, जल देखिए यही NO2 है, NO2 जो है इसको आप क्या करो, कूल करो, ठंडा करो, तो इसके लिक्विड जो बनेगा, ये गैस है, इसका लिक्विड जो बनेगा देखिए बेटा, वो येलो लिक्विड होगा, किसमें तब्दील हो जाएगी, येलो लिक्विड में, जब ठंडा करोगे येलो लिक्विड, अगर उसी को आप बर्फ में फ्रीज कर दो तो देखिए वो कलर है सॉलिड बन जाएगा, यानी जिस तरह मैजिक होती है कि हमने देखिए ये हमारे पास था, ये खुद क्या होते रेड ब्राउन है, रेड ब्राउन गैस है, जब इसको हमने ठंडा किया तो येलो लिक्विड में चेंज हो गया, जब इसको मजीद हमने वो किया फ्रीज किया तो वो कलर है, बात समझ आ गई क्या हो गया, कलर है। अब अगर वो सॉलिड को हीट करना शुरू कर दो, क्या कर दो, हीट करना शुरू, तो वो क्या होगा, अगर उसको 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनेगा, साथ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड भी बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड भी बनेगा। अगर बेटा इसी को, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अबव 140 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव पे हम इसको हीट करते हैं तो यानी इसका जो होगा, यानी अगर इसको 620 तक लेकर जाते हैं तो ये क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, साथ ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस होगा, बात समझ आ गई। यानी देखिए, यानी यही है, जिसको 140 तक किया तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा और साथ नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बनेगा, अगर इसी को 140 से ऊपर तक इसको हीट करेंगे तो इसकी डीकंपोजिशन कंप्लीट हो जाएगी, यानी कहां तक, 620 तक इसकी डीकंपोजिशन कंप्लीट हो जाएगी, बात समझ आ गई। इसके रिएक्शन देखिए, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसको हमने देखिए ये इसको कूल किया, ठंडा किया, कूल है, देखिए यहां पे पहले हम कूल किया आपने इसको, ये देखिए हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा, ये येलो कलर में चेंज हो जाएगा, ये लिक्विड में गैस है, लिक्विड में तब्दील हो जाएगा, फिर पेल येलो होगा, N2O4 होगा, इसको 140 तक हीट करोगे तो बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होगा, और इसी को अगर
620 तक हम इसको हीट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, NO बनेगा और साथ ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा और साथ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे। अच्छा बेटा, ये कुछ एलिमेंट है, कौन से? फास्फोरस है, पोटेशियम है, कार्बन है। ये कंटिन्यूस वर्क करते रहते, जलते रहते। किसके साथ? NO2 के साथ, मुसलसल, यानी NO2 जो है उनको हेल्प करता रहता है, सपोर्ट करता रहता है। और जिसके नतीजे में देखिए, जब इनकी डीकम्पोजिशन होती है तो ये हमारे पास क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है। यानी कौन सा? फास्फोरस, पोटाशियम और साथ कार्बन जो होगा, ये कंटिन्यूस जो है वो बंद करते रहते हैं, कंटिन्यूस बंद। लेकिन ये हमारे पास कौन सी चीज है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब इसकी डीकम्पोजिशन होगी, देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, साथ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी, डीकम्पोजिशन होगी, यानी जली है, इससे डीकम्पोजिशन से इसके होगा। इसी तरह देखिए, अगर ये फास्फोरस के साथ रिएक्शन करेगा, कौन रिएक्शन करेगा? फास्फोरस के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा, तो ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनेगा, साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। बात समझा गई? अब देखिए इसकी क्या हुई, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, फास्फोरस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुई है और इसकी खुद की क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। बात समझा गई? खुद की क्या हुई, इसमें ऑक्सीजन कम हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई है, ये हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, अब देखिए इसके बाद इसकी तीसरी प्रॉपर्टी और बहुत अहम प्रॉपर्टी है, इसी को आपने हल करना है। किसको? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। किसके अंदर? वाटर में डिजॉल्व करना। तो दो कैटेगरी है, या तो बेटा एक एब्सेंस ऑफ एयर या प्रेजेंस ऑफ एयर होगा। देखिए अगर आपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व किया, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, के हवा की गैर मौजूदगी में किया, तो क्या बनेगा? एक नाइट्रिक एसिड बनेगा, एक नाइट्रस एसिड बनेगा। ये क्या होगा? HNO3 नाइट्रिक एसिड है और HNO2 क्या बेटा? नाइट्रस एसिड बनेगा। क्या किया हमने? एब्सेंस ऑफ एयर, अगर इसी को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर डिजॉल्व किया, एब्सेंस ऑफ एयर डिजॉल्व किया, तो नाइट्रिक एसिड भी बनेगा और साथ नाइट्रस एसिड भी बनेगा। बात समझा बेटा? हाँ, अगर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, अगर हवा की, एयर की मौजूदगी में इसको वाटर में डिजॉल्व किया, तो फाइनल प्रोडक्ट नाइट्रिक एसिड बनेगा। कौन सा बनेगा? नाइट्रिक एसिड। समझ आ गया बेटा? यानी अगर वाटर में हमने डिजॉल्व करना है, किसको डिजॉल्व करना है? नाइट्रोजन ऑक्साइड को हमने वाटर में डिजॉल्व करना है। अगर हवा मौजूद है तो नाइट्रिक एसिड बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। अगर हवा मौजूद नहीं है तो नाइट्रस एसिड भी बनेगा और नाइट्रिक एसिड भी बनेगा। ये देखिए हमारे पास था। अच्छा, अब इसी का रिएक्शन भी स्ट्रॉन्ग अल्कली, अगर इसका अल्कली के साथ रिएक्शन करते हो, अल्कली कौन सा होता है? वो बेस जो पानी में हल हो जाता है, उसे अल्कली कहते हैं। डेट वेट डिजॉल्व वाटर इज कॉल्ड अल्कली, उसे हम अल्कली कहते हैं। देखिए बेटा, अगर इसको स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ आप इसको करोगे तो नाइट्रेट भी बनेगा और नाइट्राइड भी बनेगा। क्या बनेंगे? नाइट्रेट बनेंगे, नाइट्रेट होता है NO3 होता है, ये देखिए यहाँ पर NO3 होगा, नाइट्राइड होता है NO2 होगा, यानी नाइट्रेट भी बनेंगे और नाइट्राइड भी बनेंगे। अब देखिए, आपने अल्कली है, बेस है, NaOH है, ये NO2 डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड क्रिएट किया, तो ये क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट। क्या होगा बेटा? सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, यहाँ पर क्या होगा? NaNO2 सोडियम नाइट्राइड। क्या होगा बेटा? सोडियम नाइट्राइड बनेगा। बात समझ आ गई? इसी तरह अगर KOH के साथ होगा तो हमारे पास रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा और साथ पोटेशियम नाइट्राइड भी बनेगा। यानी ये देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ हमने इसको रिएक्ट किया है तो ये जो है वो नाइट्रेट भी बनेगा और नाइट्राइड भी बनेगा। अब देखिए ये यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। ठीक, अब इसी तरह जो है, अगर हमने इसको कौन सा NO2 ऐसे खुद जो है ना अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है बेटा, देखिए अगर खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर जो एजेंट के तौर पर काम करता है ना, उसकी अपनी रिडक्शन होती है, दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है। बात समझा है? अब देखिए यहां पर है, अगर ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है तो इसका मतलब NO2 की अपनी रिडक्शन होगी, याद रखना है, और दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी इसका काम है ऑक्सीडेशन करना, और खुद की रिडक्शन होगी उसकी। देखिए यहां पर है, ये एक्ट्रेस के साथ करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, एक्ट्रेस से देखिए सल्फर को निकालेगा। अब रिमूवल ऑफ क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन, क्या होगी? ऑक्सीडेशन की तारीफ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर भी देखिए, उसने फेरस एसिड को फेरिक एसिड में तब्दील कर दिया। बेटा आप लोगों को याद होगा, ये फेरस जो होता है Fe+2 होता है और फेरिक जो होता है Fe+3 होता है। ये फेरस है और ये क्या है? फेरिक। बात समझ आ गई? नहीं, ये फेरस है, ये फेरिक है, ये क्या करेगा? देखिए फेरस एसिड को उसने फेरिक एसिड में तब्दील कर दिया, यानी इसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखिए यहाँ पर Fe+2 था, ये +3 होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको पता है क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होती है? ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन की तरीफ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन,
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर उसने हाइड्रोजन रिमूव किया, देखिए एड्रेस इसे इसे एड्रेस से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। अब इसकी तो होगी ऑक्सीडेशन, इसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन हो, और इसकी अपनी क्या होगी रिडक्शन हो गई। देखिए यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, एनओ2 में तो नहीं लोगे, यानी ऑक्सीडाइजर एजेंट के जो तौर पर काम करता है उसकी अपनी रिडक्शन होती है। अब देखिए यहाँ पर है फेरस सल्फेट है, FeSO4 है, इसके सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्ट कर रहा है, इसके मौजूदगी में रिएक्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्ट कर रहा है। ये देखिए ये फेरिक सल्फेट बन गया, क्या बन गया बेटा फेरिक सल्फेट, यानी फेरस से फेरिक में तब्दील हो गया, यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी भी क्या होगी बेटा, इसकी भी क्या होगी ऑक्सीडेशन होगी, क्या होगी ऑक्सीडेशन होगी, और इसकी अपनी क्या होगी बेटा रिडक्शन। बात समझ आ गई। अब इसी तरह देखिए ये पोटेशियम आयोडाइड है, क्या हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड है, ये NO2 के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पर क्या पैदा करेगा आयोडीन निकालेगा। बात समझ आ गई ना, ये देखिए यहाँ पर भी हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, नाइट्राइड बनेगा, साथ में आयोडीन भी खारिज करेगा। अब देखिए ये एज ए कौन सा था, पहला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है बेटा। ये हमारे पास नाइट्रोजन की ऑक्साइड थे, ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, पक्का हम नेक्स्ट जो होगा ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।